हेलो एवरीवन, मैं मीना। और सब कैसे हैं आप? तो देख सकते हैं ये सकुलेंट हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। सकुलेंट रहते हैं जो हमारे, तो इजी टू ग्रो प्लांट है ये, बहुत इजी ग्रो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। केयर में क्या है दोस्तों, थोड़ा पानी इनको कम चाहिए रहता है, तो हमें पानी का थोड़ा ध्यान रखना होता है। और दोस्तों बहुत ईजिली लग जाता है ये। कुछ एक दो साल पहले मेरे पास ये एक भी प्लांट नहीं था, और मैंने ये ख़रीदे भी नहीं है दोस्तों। तो मैं बताती हूँ मुझे कहाँ से ये प्लांट मिले हैं, और देखिए इतने सारे प्लांट बन गए हैं एक लीप से। तो दोस्तों प्रोपोगेशन की बात की जाए तो दोस्तों ये ईजिली ग्रो हो जाते हैं, और लीप से ही प्रोपोगेट हो जाते हैं ये आराम से। तो आप एक लीप से प्लांट आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं नर्सरी गई थी कभी, जब मैं जाती थी एक दो साल पहले, अभी भी जाती हूँ बट ये जब इस प्लांट की बता रही हूँ, तो मेरे पास ये प्लांट नहीं था, तो मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बस दो चार लीप्स ले ली थी, और उन्हीं से देखिए कितने सारे ये प्लांट बन गए हैं, देख सकते हैं आप। और फिर मैंने ये एक दो प्लांट लिए बनाए थे, फिर उसके बाद ही ये लीप्स गिरते रहते हैं दोस्तों, और ये गिरे हुए लीप्स से इतने सारे प्लांट बन गए हैं। और ये देखिए, इसकी भी मैं एक दो लीप्स ले के ही आई थी, और इससे भी देखिए एक ये प्लांट मैंने तैयार किया था, एक ये किया था, और देखिए कितने सारे यहाँ पे बेबी प्लांट तैयार हो गए हैं, लीप से ही हो गए हैं। ये लीप्स गिरते रहते हैं दोस्तों और निकलते रहते हैं, तो इजली लग जाते हैं दोस्तों। कटिंग से भी लग जाती है, ये कटिंग इसकी यहाँ पे मैंने लगा दी थी, और बाकी ये लीप्स गिर गई थी, और कुछ लगा दी थी तो अपने आप ही निकल आए हैं। तो ये मैंने कल एक रिपोर्ट किया था, थोड़ा सा किया था, रात हो गई थी, तो मैंने सोचा सुबह किए करेंगे और आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए एक ही प्लांट से मैंने ये दो प्लांट बन गए, और यहाँ से इतने सारे निकल रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों छोटा सा पॉट बहुत अच्छा रहता है, बहुत छोटे छोटे से पॉट, ये जरा जरा से पॉट। तो मेरे पास बाज़ार वाला पॉट नहीं था, तो ये जो हमारा खाना वगैरह पैकिंग में आता है, तो वही ये था एक डिब्बा, और बाकी एक इसमें लगा हुआ है, तो ये भी पैकिंग वाले ही डिब्बे हैं छोटे छोटे से। तो एक ये रखा हुआ है, तो बाकी इसमें मैंने नीचे ये कंकड़ पत्थर भर लिए हैं। और दोस्तों जो मिट्टी मैंने बनाई है इसमें क्या है, तो दोस्तों इसमें है थोड़ा सा नीम खली है, थोड़ी सी गार्डन सॉइल, बहुत थोड़ी सी है, जरा सी है, 2% करीब जरा सी मैंने डाली दो मिट्टी। और इसमें राइस हस्क है दोस्तों, राइस हस्क है, इसे मान लीजिए एक बाउल मैंने राइस हस्क लिया है एक, और दो बाउल मैंने इसमें कोको पीट लिया है, और थोड़ा सा नीम खली है दोस्तों, और थोड़ी सी लीप कंपोस्ट है। अगर लीप कंपोस्ट आपके पास है तो बहुत अच्छा है, लीप कंपोस्ट बहुत अच्छी रहती है दोस्तों इसके लिए। तो मिट्टी मैंने थोड़ी सी ही डाली थी, जरा सी मैंने एक दो मुट्ठी करीब मिट्टी डाली थी, तो बस। और थोड़ा सा मैंने इसमें फंगीसाइड का भी डाल दिया था, जो साफ होता है फंगीसाइड, तो बस हमें इसमें भर लेना है। और दोस्तों मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मैं इसको कभी भी रिपोर्ट कर देती हूँ, कभी भी लीव्स से लग जाता है आराम से, तो मैं कभी भी इसको लगा देती हूँ, जब भी लीव्स कोई गिरे तो अपने आप ही निकल आते हैं दोस्तों। और देखिए इतनी सर्दी में मैं इनको रिपोर्ट कर रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैंने ये भी किए थे, तो ऐसे ही करीब हो जाते हैं दोस्तों, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस थोड़ा विंटर में इनकी ग्रोथ तो और अच्छी मुझे दिख रही है, देखिए तो विंटर में भी इनकी ग्रोथ चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो बस इनकी मिट्टी दोस्तों थोड़ा बेल्डन बनाना है, और हमें इनको पानी बहुत कम देना है। तो ये मैंने भर लिया है, इसमें फिल कर लिया है, और इसको देखिए कितनी दब गई है ये, तो हमें ये नीचे हो गया, इसलिए मैं इनको थोड़ा ऊपर लगा देती हूँ, और आराम से दोस्तों लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसके लिए ये टूल्स चाहिए पड़ेगा, तो बेबी प्लांट को हम रिपोर्ट कर सकते हैं आराम से, इसी मिट्टी में करना है। और ये देखिए ये मैं निकाल रही हूँ दोस्तों, हम इसको छाया में रखेंगे तो ये एकदम ग्रीन रहेंगे, और थोड़ा सा धूप इनको लगेगी, तो धूप में दोस्तों ये थोड़ा सा इसकी पत्ती रेड इस टाइप की हो जाती है, हल्की सी रेड हो जाती है। तो ये दोस्तों सकुलेंट सीडम है, और ये अचीवेरिया है, ये जो हमारा ब्रह्म कमल भी इसको बोलते हैं, मतलब अचीवेरिया है दोस्तों ये, और ये सीडम की वैरायटी है, ये सीडम ही है, तो बस ऐसे ही रख देना है। और ये देखिए बहुत खूबसूरत लगते हैं दोस्तों, तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं, बहुत ईजी लग जाते हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हर पानी थोड़ा ही देना है, स्प्रे करना है बस बोतल से। तो मैं इसको पानी ऐसे ही दे देती हूँ, थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ कभी कभी,
और आराम से, ये भी लीव्स लगा हुआ है। जब दोस्तों लीव्स लगते हैं प्लांट तो लीव्स जो लीव्स रहती है वो सूख जाती है और बाकी प्लांट हमारा नया बन जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे रख दिए है, बहुत ईजी लग जाते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होती। ये सारे लीव से ही निकले हुए प्लांट हैं तो हम ऐसे लगा देते हैं। और रिपोर्टिंग करने का थोड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि ये बहुत नीचे चले गए थे तो थोड़ा दिखाई भी नहीं दे रहा था अच्छे से। ऊपर ऊपर रहता है प्लांट तो अच्छे से दिखता है। और हम इसको निकाल के लगा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो हमें ऐसे रिपोर्टिंग कर लेनी है। बहुत खूबसूरत प्लांट रखता है दोस्तों, बहुत प्यारे प्यारे रखते हैं ये। ये देखिए, मेरे पास पहले एक भी नहीं था और मैंने अभी भी कुछ लगाया लीफ से तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने रिपोर्टिंग कर ली है, ये हो गए हैं रिपोर्टिंग। बस इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और थोड़ा ही डालेंगे दोस्तों। तो एक ये देखिए, ये मैंने इसी में लगा रहने दिया है और बाकी ये लीफ से लगाया है। तो लीफ से दोस्तों ये जो हमारा इधर का भाग होता है जहाँ से टहनी में लगा हुआ होता है वहीं से उसी तरफ से मिट्टी में हल्का सा दबाना है। और एक आध दिन आप ड्राई भी कर सकते हैं। वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो दोस्तों मैं ड्राई भी नहीं करती, मैं तो बस निकाल के ऐसे ही लीव्स रख देती हूँ और आराम से इजली लग जाते हैं। देखिए ये कुछ रिपोर्टिंग कर ली है तो एक पत्ती से इतने सारे प्लांट तैयार हो चुके हैं। और आप भी जा सकते हैं नर्सरी और नर्सरी से लेके आइए। और अगर आपके फ्रेंड के यहाँ लगे होगा तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं और एक दो लीव्स लेके आइए और आराम से लग जाते हैं, इजली चल जाते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से लग जाते हैं। और मुझे तो बहुत ही पसंद है ये प्लांट। तो ये देखिए कितने सारे तैयार हो गए हैं। और ये एक बड़ी लीव्स लेके आई थी मैं तो इसको भी मैंने लगा दिया है और इन सबको लगा दिया है। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय फ्रेंड्स।